सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। तो क्या हाल चाल आप लोगों के? आज का जो दिन शुरू करना था उसकी प्लानिंग कल ही कर ली थी कि मॉर्निंग में क्या करना है उठ के, तो उस हिसाब से ही आज चले हैं। और कल ही प्लान ये बनाया था कि एक भैया का फ़ोन आया, बल्कि वो प्रोग्राम परसों का था, तो वो प्रोग्राम जो परसों का था तो उसको मैंने आज ख़त्म किया है, क्योंकि वो पेंडिंग सिर्फ मेरी वजह से था। तो कल ही प्लान ये बन गया था कि जो काम करना है वो आप इवनिंग में करेंगे या मॉर्निंग में, तो मैंने कहा मॉर्निंग में करेंगे, क्योंकि इवनिंग में फिर सोने का टाइम रहता है। अगर मैं लेट रात में अगर काम लेट करता तो मैं लेट सोता, और लेट सोता तो सुबह मॉर्निंग में लेट उठता, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो जिस वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि सोने का जो टाइम है वो रात में ही मज़ा आता है, और कभी कभार इमरजेंसी वाली बात अलग होती है, बहुत अलग होती है। तो कल शाम को ये प्लानिंग था कि एक काम करना था, तो उस काम को मैंने कहा मॉर्निंग में करूँगा उसको, आप मुझे मॉर्निंग में सुबह 7:30 बजे फ़ोन करना और वो काम आपका हो जाएगा। तो उन्होंने करेक्ट 7:30 बजे मुझे आज फ़ोन किया, तो मैंने कहा ठीक है, आई एम रेडी। तब भी मैं आधे घंटे लेट पहुंचा, तो 8 बजे पहुंचने के बाद वो सारा काम किया, तो लगभग मुझे 10 बज गए थे। और 10 बजने के बाद मुझे जो मेरा भाई है तो उसका छोटे वाले का पेपर था, और जो कि मेरे पिछले ब्लॉगों में आप लोगों ने देखा होगा, तो उसका पेपर था आज 10 बजे। तो उसने फ़ोन करा कि चाचू जल्दी आ जाओ, मेरा पेपर है। तो मैंने कहा यार मैं काम कर रहा हूँ, तो फिर जल्दी जल्दी काम किया मैंने, 10:10 पे लगभग मैं घर पहुंच गया। तो उसका पेपर 10 बजे ही स्टार्ट होना होता है और लगभग 10:30 में ख़त्म हो जाता है, तो गया फटाफट का उसका जो पेपर वगैरह करवाया। पेपर वगैरह फिनिश होने के बाद थोड़ा सा सुकून सा मिला कि हाँ भाई उसका काम हो गया, बाकी जो काम था वो मैंने 10 बजे ही फिनिश कर दिया था, और आज उसी के हिसाब से जो प्लानिंग चल रही थी वो उसी के हिसाब से काम हुआ। बाकी सब ठीक है, लेकिन भाई को जो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत करा करो प्लीज़। मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है, पता नहीं ऐसे कौन से लोग हैं जो ऐसा करते हैं। भाई अगर आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो अनसब्सक्राइब क्यों कर रहे हो, हैं? अगर वीडियोज़ अच्छी नहीं लगती हैं तो पहले ही सब्सक्राइब मत किया करो। क्या है यार, आप लोग एक बार सब्सक्राइब करते हो फिर अनसब्सक्राइब कर देते हो, ऐसा क्यों? खैर छोड़ो, आप लोगों की इच्छा, भाई मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स मिला है, और लगभग टाइम हो रहा है 1:50, सारा काम ख़त्म है, और आज एक्सरसाइज भी करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो मैंने बहुत तो क्या ही दो दिन हो गए जिसमें मैंने एक्सरसाइज वगैरह नहीं की है। तो आज पंखे वगैरह नहीं चला रखे मैंने, यहाँ गर्मी भी लग रही है यार। तो कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग, आप लोग मेरे चैनल पे आके बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बाकी आगे सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। हो गई छुट्टी, अब चल रहे हैं हम घर, बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, पैदल हुआ, गाड़ी वाड़ी भी नहीं लाया। ये शॉर्टकट रास्ता है। दगद दगद ज्वलल लाट पट पाव के किशोर चंद्र शेखर रति प्रतीक्षण मम धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधु रास्व रक्ति गंध संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष गोरणी निरुद्ध दुर्द्रापदी सिद्धि गंगे मनो विनोद में तु वस्तु नीच काभुजंग पिंगल स्फुरत प्रणाम।
यहाँ ग्राउंड में अभी चल रहा है गेम, फुटबॉल ग्राउंड में सभी स्टाफ के लोग आए हुए हैं और खाना वाना खाने के बाद यहाँ थोड़ा अपना खेल कूद हो जाता है हल्का फुल्का, बाकी एक्सरसाइज वगैरह अपना नॉर्मल हो जाता है लोगों का। स्टाफ के लोग रहते हैं, टीचर्स लोग हैं और बड़े बड़े लेक्चर आ रहे हैं तो यहाँ पर हो जाता है। तो अभी आ गया हूँ महाकाल के मंदिर के पास और यहाँ की लाइट बंद हो जाती है क्योंकि बंदा 9 बजे लाइटें बंद कर देता है। तो मैं आ गया हूँ, तो मेरे पीछे देखो महाकाल मंदिर। और ये जो दिन में जो सुंदरता दिखती है यहाँ की, अलग ही नज़ारा। मैं आप लोगों को अपडेट इसलिए देखता रहता हूँ कि आओ कभी शांति कुंज घूमने, गायत्री कुंज, बहुत से लोग हैं जो आते रहते हैं तो सजेस्ट करता हूँ, तो आया करो प्लीज़, अच्छा लगता है। बाकी यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा हिसाब किताब है। बाकी ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं बाहर की तरफ, तो फ़ोन बंद करता हूँ, ठीक है, घर पर चल के मिलता हूँ।